अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू पालक के पकोड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार बड़ी प्याज ले ली थी, उसको मैंने बिल्कुल लच्छेदार पतला पतला काट लिया था। एक कप मैंने इसमें बेसन डाल दिए हैं, 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून अनारदाना, इसको वॉश कर लीजिएगा। चुटकी भर हम इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब मैंने इसमें एक बड़ा आलू ले लिया था, उसको मैंने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया था, वो डाल देंगे। पालक ले ली थी मैंने यहाँ पे 1 पाव। अब पहले हम इनको ऐसे ही मिक्स करेंगे, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज ऑलरेडी पानी छोड़ती है। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट में इसको रेस्ट दे दूँगी। पानी यहाँ पे बिल्कुल मत डालिएगा, इतना इनफ है क्योंकि प्याज हमारी पानी छोड़ती है। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। जैसे ही मैंने इसमें अपने पकोड़े डाले हैं तो फिर मैंने इसकी आंच मीडियम कर दी है। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।